नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नमनीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिक मैच। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2018 के मैच नंबर 3 के बारे में, जिस मैच में टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी का बदला लिया था जो 2017 में हारी थी। इस मैच से जितनी रोमांचक होने की उम्मीद थी उतना हो नहीं पाया। एक तरफा मैच हुआ यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला। सो बात करते हैं इस मैच की। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पहले पहुंचाए। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं टॉस से। टॉस जीता था पाकिस्तान ने और किया बैटिंग का फैसला। और आपने ये जरूर देखा होगा, जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है उसमें जो टीम टॉस जीतती है वो पहले बैटिंग करती है, क्योंकि वो प्रेशर वाला गेम होता है और प्रेशर वो जानती है टीम कि हम बाद में खेलेंगे तो प्रेशर और ज़्यादा होगा क्योंकि रनों का दबाव होता है। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर टीम जो टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला करती है। अब इस मुकाबले में पाकिस्तान की तरफ से शोएब मलिक जो हैं वो अच्छी बल्लेबाजी करी, लेकिन हम बात करते हैं शुरुआत ओपनिंग से। इमाम मलिक और ओपनिंग पे आए तो बाबर आजम, तो यहाँ पे जिस तरीके से बैटिंग करी इमाम मलिक जल्दी आउट हो गए। इसके बाद शोएब मलिक की जो पारी है 78 रन बनाए उन्होंने 90 बॉल्स में, यानी बहुत अच्छी पारी खेली। आसिफ अली ने 21 गेंदों में 30 रन बनाए और सरफराज के 44 रन की बदौलत यहाँ पे पाकिस्तान की टीम ने 50 ओवर में 7 विकेट स्थान पर 237 रन बनाए, यानी 237 रन। अब जो टारगेट था वो 238 का था टारगेट जो टीम इंडिया के सामने। एक बार कोई लगा था कि पाकिस्तानी टीम ने तो रन बना लिए, अब टीम इंडिया कैसे रन बनाएगी, क्योंकि 238 का टारगेट मालूम है आसान है, इतना कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी 238 का टारगेट जो है वो टीम इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होता है तो उसमें 238 रन भी 338 के बराबर होते हैं क्योंकि वो प्रेशर वाला गेम होता है। तो इस सिचुएशन में हम ये सोचे थे कि 238 रन कैसा ना हो कि पाकिस्तान इस मुकाबले में जल्दी जल्दी विकेट लेके कहीं हराना दे टीम इंडिया को, लेकिन जब टीम इंडिया बैटिंग करने आई, रोहित शर्मा शिखर धवन बैटिंग करने आए, तो ऐसा लगा ही नहीं कि वो इतने बड़े स्कोर का टारगेट का चेस करने आए, क्योंकि 238 रन वैसे कहने को तो कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से रोहित शर्मा शिखर धवन ने बैटिंग करी ऐसा लगा था कि बहुत जल्दबाजी में और बहुत जल्दी मैच खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत अच्छी कर किया भी, क्योंकि 214 रनों की पार्टनरशिप कर दी दोनों ने। जब 214 की पार्टनरशिप आप कर देंगे तो फिर मैच में आप कहाँ बचेगा कोई भी कुछ भी। तो रेट पॉसिबल था, जो पॉसिबल था वो ये था कि टीम इंडिया ने इस मुकाबले को 9 विकेट से जीत लिया और जो बदला था चैंपियंस ट्रॉफी के 2017 का वो आराम से ले लिया और इस मुकाबले जीत के यहाँ पे बहुत तसल्ली हुई टीम इंडिया को, क्योंकि टीम इंडिया चाहती थी कि इस मैच को जीतना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए कृपया टेक के जाएँ।